अच्छा चल रहा है ऑडिट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हो, चाहे वो वेल्डिंग से रिलेटेड हो, ग्राइंडिंग हो या अदर कोई भी वर्क है, तो उस एरिया में साफ सफाई हमको करके रखनी है प्रॉपर, काम शुरू होने से पहले भी और काम खत्म होने के बाद भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छुट्टी का टाइम होता है, हम ये सोचते हैं कि पहले जल्दी जल्दी सामान समेट के चले जाते हैं क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन वही काम अगर हम 15 मिनट पहले रोक के उधर दो बंदे को लगा दे कि भाई तुम सफाई करो तब तक हम समेट रहे हैं, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। लेकिन ये ना हो कि कोई भी काम करने के बाद आप सफाई साफ़ सफाई को छोड़ के ऐसे ही चले जा रहे हो, उधर वो सामान मिल रहा है, सर बोल रहे हैं किसी को करने के लिए, तो ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे कोई दिक्कत आए दूसरों को भी और तुम्हें भी, फिर तुमको बोला जाएगा कि कल तुम्हारे बंदे वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ अपना मटेरियल छोड़ दिया, उसके लिए फिर पिक आती है, पता है सर बताते भी है कि हमारा मटेरियल था ये हमारा नहीं है, तो ऐसा कोई काम ना करो। और जितना भी तुम्हारा वेल्डिंग का काम चल रहा है अभी तो ज़्यादा चल ही रहा है, तो उधर में अपना फायर ब्लैंकेट फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर रखो, क्योंकि काम चल रहा है वेल्डिंग का, तुम्हारे पास सभी चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए काम करने के लिए, और फिर वेल्डिंग का जो काम चल रहा है उस वेल्डर के पास हैंड ग्लव्स फेस शील्ड ये सब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि बिना ग्लव्स के आप मारते रहते हो वेल्डिंग, तो उससे क्या होता है कि होल्डर गर्म होता है ना, तो हाथ जलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि राड भी निकालनी पड़ती है और भी कई दिक्कत है, तो ऐसा ना करो कि बिना ग्लव्स के तुम काम कर रहे हो। कई बार कहते हैं कि हमको पकड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर हाथ जल जाएगा तो फिर अगले दिन कैसे पकड़ पाएगा भाई, दिक्कत तो तुमको ही होने वाली है। एक दूसरे के राउंड हो जाइए, पीपी चेकिंग करते हैं जोर से। सेफ्टी हेलमेट ओके, सेफ्टी चैन स्ट्रिप ओके, सेफ्टी जैकेट ओके, सेफ्टी शूज ओके, दिल से ओके, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट।